हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप सबका SJD कॉलेज की इस वार्षिक चित्रकला प्रतियोगिता में तहे दिल से स्वागत है। आज की इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे युवा कलाकार बेहद ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि उनकी प्रतियोगिता का आंकलन करने के लिए हमारे बीच में है मशहूर कलाकार मिस्टर रुद्र कुमार। इस खास प्रतियोगिता में हर एक पेंटर को पेंटिंग बनाने के लिए सिर्फ 2 मिनट मिलेंगे, और पेंटिंग किस बारे में होगी इसका फैसला ये पर्चियां तय करेंगी। तो आइए बढ़ते हैं अपनी प्रतियोगिता की ओर। तो आइए पार्टिसिपेंट्स एक एक करके अपनी पर्चियां उठाएं। ये थकान सा हो रहा है, मैं घर जा रहा हूँ, हम शाम को घर पर मिलते हैं। ठीक है पापा, आप ध्यान से जाना। चिंता मत कर बेटा, टेक केयर, संभाल के। तो बस हमारे आखिरी प्रतियोगी के आते ही ये कंपटीशन शुरू कर दिया जाएगा। तो मिस्टर आकाश, आप जहाँ कहीं पे भी हैं प्लीज स्टेज पे आ जाएं। मिस्टर आकाश, ये कौन है? एक्सक्यूज मी, देखिए अगर आप बिना पर्चे उठाए अपनी पेंटिंग शुरू करेंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आदमी कौन था, इसका आईडी चेक किया आपने? आप टेंशन मत लीजिए, हम इसे डिस्क्वालीफाई कर देंगे। सर, डिस्क्वालीफाई की बात नहीं है, ये था कौन? पता करो कौन है ये आदमी। जी सर। रुद्र जी आप कहाँ जा रहे हैं, प्लीज सुनिए तो मेरी बात। तो कहाँ चला गया, अभी तो यहीं था। सर, हाँ, आ रहा हूँ स्टेज पे मैं। नहीं सर, स्टेज पे नहीं सर, वहाँ दूसरे कॉरिडोर में बहुत बड़ा हादसा हो गया सर। आइए जल्दी, आइए प्लीज, साइड दीजिए, एक मिनट साइड दीजिए। रुद्र जी संभालिए अपने आप को। अरे क्या संभाला, मेरे पापा को जिसने भी ये किया मैं उसको छोड़ो मैं। सर आपका फोन बज रहा है सर। क्या क्या लगेगा फोन? कॉन्ग्रेचुलेशन। अरे थैंक यू कैसे आप? ठीक है ना, आप पार्टी एंजॉय कीजिए, जरा एक इम्पोर्टेंट कॉल, बी कंफर्टेबल। भाई ये पकड़ो। अरे बाबा कितनी कोशिश करोगे, अब बस भी करो। जब तक ये रुद्र फोन नहीं उठाता मैं उसे कॉल करते ही रहूंगा। वो किसी काम में बिजी होगा ना। ये हमेशा का नाटक है यार इसका, जब भी हम लोग मिलने का प्लान करते हैं ना, या तो ये कहीं फंस जाता है या तो कोई काम निकल आता है। ये बंदा फोन क्यों नहीं उठाता, सुबह से 25 कॉल कर चुका हूं उसे। ओहो रिलैक्स रिलैक्स, मैं जानती हूँ तुम कितने उत्सुक हो कि हम तीनों एक साथ में इतने दिनों के बाद में मिल रहे थे। What do you mean by मिल रहे थे? मिल रहे हैं मैडम, मिल रहे हैं। बस एक कॉल लगने दो फिर देखो। वो आ भी जाएगा ना, फिर भी मैं नहीं मिल पाऊंगी। क्यों? कल सुबह पुणे निकलना है ना कॉन्फ्रेंस के लिए। क्या है ना सुहाना, शायद किस्मत को मंजूर नहीं है कि सुहाना विवान और रुद्र एक साथ मिले। तुम दिल छोटा मत करो,
जैसे ही मैं पुणे से आऊंगी ना, हम दोनों मिलके है ना उसके घर में धमक जाएंगे, ठीक है? धमक जाएंगे। नाइस नाइस नाइस। चलो कांग्रेट्स। थैंक यू वेरी मच। संभल के जाना। ओके बाय। चलो हैप्पी जर्नी। संभल के जाना। अरे बेटा पार्टी कैसी चल रही है? अरे पापा बहुत बढ़िया चल रही है पार्टी। हमारी बहू नहीं आई अभी तक? वो लीजिए। हाय नम्रता, कैसी हो? बहुत प्यारी ड्रेस है। थैंक यू सो मच। कैरी ऑन। हेलो, कांग्रेचुलेशन तान्या। थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी, हाँ कितनी सुंदर पैकिंग है इसकी, कमाल है, किसी ने नाम भी नहीं लिखा। खोल के देखती हूँ। ज्वेलरी बॉक्स, माय गॉड, इतनी खूबसूरत सोने की चेन तो मैंने कभी नहीं देखी है। क्या बात है दानिया, बहुत चहक रही हो, खुश लग रही हो। विमान देखो कितनी कीमती चेन है। किसने दिया ये गिफ्ट तुम्हें? किसने दिया? रंग ये यहाँ रखा था, इस पे नाम नहीं लिखा हुआ है। अरे नाम दिए तो तुम उठा लोगी? अब लाओ यहाँ पे दो। तुम चिल्ला क्यों रहे हो? मुझे दो ये गिफ्ट। लाओ मुझे दो। क्या हुआ विवान, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्ला क्यों रहे हो विवान, ये क्या किया तुमने? इतना कीमती तोहफा फेंक दिया, क्या दिमाग ठीक है तुम्हारा? दिमाग मेरा नहीं तुम्हारा खराब है तानिया, कोई कुछ भी देगा और तुम उठा लोगे? अरे टेबल पर रखा था। मैं क्या टेबल? टेबल पे रखा तो टेबल पे रखा था। विवान, विवान सुनो तो मेरी बात। हेलो विमान। रुद्रा प्लीज तू यहाँ पर आ जा, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं नहीं आ सकता, मेरे पापा मेरे पापा इस दुनिया में नहीं। क्या? हाँ किसी ने उनके जान ले ली। सॉरी सॉरी यार। अच्छा मुझे बता तू इस वक्त कहाँ पर है? टेरला दी तो। अच्छा ठीक है, तू वही वही पे रुक, मैं आता हूँ एक 15 मिनट में पहुंचता हूं। ओके अरे विवान बेटा, ये पार्टी छोड़कर तुम कहां जा रहे हो? विवान बेटा जवाब तो दो। विवान विवान तो प्रोफेशनल पेंटर्स इस्तेमाल करते हैं। देखो इस पे कोई उंगलियों के निशान है क्या? या ऑडिटोरियम से कोई बाहर तो नहीं गया ना? नहीं सर। खून कॉरिडोर में हुआ है, ये किसी अंदर वाले का भी हाथ हो सकता है। हम में से कोई ऐसा क्यों करेगा? कोई भी वजह हो सकती है। सर इस पर फिंगरप्रिंट्स आ गए। गुड, रेडी? एक एक उंगलियों के निशान लो और इस फिंगरप्रिंट से मैच करके देखो, किसी को मत छोड़ना। नहीं छोड़ूंगा, ऐसे माहौल में मैं खुद की भी नहीं सुनता, अपनी भी उंगलियों के निशान ले लेता हूँ। सुरुद्रा आप बता रहे थे कि आपके पिताजी बीच में ही निकल गए थे घर जाने के लिए और उस दौरान ये खून हुआ उनका। जी। तो सबसे पहले इनकी लाश किसने देखी थी? सबसे पहले लाश हमारे प्यून मनदीप ने देखी थी। लाश के आसपास आपने किसी को आते जाते या भागते हुए देखा था? जी नहीं, कोई नहीं था। सर एक अनजान आदमी आया तो था ऑडिटोरियम में उस दौरान, पर पता नहीं उसका इस खून के साथ कुछ लेना देना है या नहीं। कौन आदमी?
कोई आदमी कंपटीशन के बीच में घुस के पेंटिंग करने लगा? सर, हमें भी हैरानी ऐसी ही हुई थी जैसे बिल्कुल अभी आपको हो रही है। आप लोगों ने उसका चेहरा तो देखा होगा ना, कौन था वो? नहीं मैडम, उसने हुड वाला जैकेट पहन रखा था और अपना चेहरा भी छिपा के रखा था। सर, हम कुछ समझ पाए उससे पहले तो वो पेंटिंग बनाकर भाग भी गया। जरा दिखाइए कौन सी पेंटिंग बनाई उसने। आइए प्लीज, ये है वो पेंटिंग। ये तो आंख है ना, सुनहरे रंग की आंख। पता नहीं उसे ये पेंटिंग बनाने की क्या सूझी, क्योंकि हमारी पर्चियों में कहीं भी सुनहरी आंख का कोई टॉपिक नहीं था। जरूर वो इस पेंटिंग के जरिए कुछ कहना चाहता था। सर, उसने ये पेंटिंग जुर्म करने से पहले बनाई होगी या बाद में? रुद्रा, जब वो आदमी ये पेंटिंग बना रहा था तभी आपके पापा आपके साथ थे या जा चुके थे? सर, निकल गए। ओ, और उस आदमी ने ये पेंटिंग कितनी देर में बनाई थी? एक डेढ़ मिनट में बना दी होगी। पेंटिंग बना के तुरंत वो यहाँ से बाहर भाग गया? जी सर। अच्छा, जब वो आदमी ये पेंटिंग बना रहा था उससे कितनी देर पहले आपके पापा यहाँ से निकल गए थे? सर, दो मिनट पहले। दो मिनट पहले? तब वो आदमी यहाँ से जल्दी से बाहर गया और कॉरिडोर में जाके उसने खून कर दिया। पर सर, दो मिनट में तो इनके पापा को कॉरिडोर को क्रॉस कर लेना चाहिए था। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके पापा का खून कहीं और किया गया हो और उनकी लाश को कॉरिडोर में रख दी गई हो? नहीं, ये जुर्म तो इस कॉरिडोर में ही हुआ है। सर, उनकी उम्र हो गई थी और उनके घुटनों में प्रॉब्लम थी, वो तेज नहीं चल सकते। ये भी तो हो सकता है कि उस आदमी के साथ उसका कोई पार्टनर था, एक यहाँ पे पेंटिंग बना रहा था और दूसरे ने जुर्म को अंजाम दे दिया। हाँ? पर सर, वो आदमी इस पेंटिंग के जरिए कहना क्या चाहता था? मिस्टर रुद्रा, आपके समझ में कुछ आता है ये सुनहरी आंख ये क्या है, कोई अंदाजा है? जी नहीं। रुद्रा दोस्त, ये क्या हो गया यार? आप जी, ये मेरा कॉलेज का फ्रेंड है विवान। सर, सभी लोगों की उंगलियों के निशान ले लिए, अब बस अंदर वाले ही बचे। ठीक है, अब आप लोग भी प्लीज कोऑपरेट कीजिए हमारे साथ। लेकिन सर मैं प्लीज, हाथ रखिए, हाथ रखिए, रखिए रखिए। रुद्रा जी, आप भी। विवान, लेकिन मैं तो अभी अभी आया हूं ना, तो कोई नहीं, हाथ रख दो, कुछ नहीं। रखिए। ठीक है, पेड़ी श्रेया, सारे पेंटिंग्स को जब्त कर लो। सर, वो वाली पेंटिंग बहुत अच्छी है सर, मैं इसे घर लेके जाऊं? पेड़ी, ये सबूत है, पेंटिंग नहीं, इसे एविडेंस बैग में डालो। क्या हुआ पापा, तानिया मिली? नहीं बेटा, हमने सब जगह देख लिया, इसका कहीं कुछ पता नहीं चला। ये देखो, अपना फोन में भूल कर गई है घर पर। मैडम जी, मैंने पड़ोसियों की यहाँ भी देख लिया लेकिन तानिया मैम साहब कहीं नहीं दिख रही। ऐसे ऐसे कैसे किसी को बिना बताए चले गई वो? जैसे तुम पार्टी छोड़ के चले गए थे। तुमने वो चैन को फेंकी सबके सामने, बहू की इतनी बेइज्जती कराई, शायद नाराज होकर इसलिए घर छोड़ के चली गई है। नहीं, कहाँ जा सकती है, वो गई होगी किसी दोस्त के पास। लाइए मुझे फोन दीजिए, मैं कॉल करता हूँ। सब जगह फोन करके देख लिया, वो किसी भी दोस्त के घर पे नहीं है। किसी के यहाँ भी नहीं है? कहाँ जा सकती है?
हसन क्या दो जरूरी चीजें बताने वाला था तू? बस वीरेंद्र जी के केस में हमें दो महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। अच्छा क्या? पहला सुराग इस चाकू पर जो उंगलियों के निशान है वो इस सुनहरी आंख वाली पेंटिंग पर जो उंगलियों के निशान है उससे मैच करते हैं। मतलब जिसने पेंटिंग बनाई खून उसी ने किया? और दूसरा? सर इस चाकू पे से हमें कुछ केमिकल्स मिले जिनका इस्तेमाल पुरानी पेंटिंग्स पुरानी बिल्डिंग्स को रिस्टोर करने में किया जाता है, उनको नया बनाने में किया जाता है। पेंटिंग रेस्टोरेशन केमिकल्स, मतलब कोई ऐसा आदमी कोई ऐसा प्रोफेशनल जो पेंटिंग रेस्टोरेशन का काम जानता है, पेंटिंग रेस्टोरेशन का काम करता है। साहब जी पानी। सर आप लोग यहाँ पर रुद्र के पापा का खूनी मिला? हाँ वो तो पता चल जाएगा, फिलहाल हम यहाँ आपकी पत्नी का पता लगाने आए। मेरी पत्नी का? आप लोगों को किसने बुलाया यहाँ पर? साहब जी मैंने बुलाया इन लोगों को, तानिया मैम साहब की बहुत फिक्र हो रही है मुझे। अरे सीआईडी वाले हैं, इन्हें अब बहुत बड़े बड़े काम करने होते हैं, अब इतनी छोटी बात के लिए इन्हें यहाँ क्यों बुलाया तुमने? एक मिनट, आपकी पत्नी गायब है और ये बात आपको छोटी लग रही है? नहीं नहीं सर, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, मेरी पत्नी यहीं गई होगी दोस्त रिश्तेदारों के पास, लौट आएगी। साहब जी उस हम लोगों ने तो सबको पूछ लिया ना, किसी को भी मालूम नहीं है, और साहब जी फोन भी यही भूल कर गई है मैम साहब। दिखाइए सर जी, लीजिए। आखिरी बार किसको फोन किया था तानिया जी ने? आखिरी बार मैंने बात की थी तानिया से ये पार्टी शुरू होने के पहले। पार्टी के दौरान कोई फोन आया नहीं? सर ऐसे पार्टी के बीच में से कोई कैसे गायब हो सकता है? एक काम करो जरा अंदर चेक कर लो कोई सुराग मिल जाए। क्या बात है मिस्टर विमान, ऐसा कौन सा जरूरी फोन कॉल है जो आप थोड़ा रुक नहीं सकते? सॉरी सर, सर एक्सक्यूज मी, जरूरी कॉल है, एक मिनट। हेलो, हाँ ओके जी 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 ठीक है ओके। क्या बात है, आपके चेहरे पे काफी खुशी दिख रही है, लगता है तानिया जी के बारे में पता चल गया। नहीं सर तानिया के बारे में नहीं पता चला, ये मेरे काम से संबंधित फोन था इसलिए। कमाल है सर, आज के जमाने में लोग बड़े वर्कहॉलिक हो गए हैं, बीवी गायब है फिर भी ध्यान काम पे ही है। वो तो दिख रहा है। आप लोग? ये मेरे मम्मी पापा हैं और मैं इन्हें अमेरिका भेज रहा हूँ मेरे कजिन के पास। अमेरिका? अचानक? जी अचानक नहीं, अब रुद्र के पापा की केस सुन के तो मेरा दिल दहल गया सर, और मैं अपने मम्मी पापा की सुरक्षा के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकता सर। क्यों, तुम्हारी भी दुश्मनी है क्या किसी के साथ? नहीं नहीं मैडम, बात दुश्मनी वाली नहीं है। अब आप ही सोचिए ना, एक खूनी खुलेआम इस देश के सड़कों पर घूम रहा है, अब कितनों की जान को खतरा भी है, तो आई लव माई मम्मी एंड पापा, सो आप समझ सकते ना सर। बेटा बहू का पता चले तो तुरंत फोन करना। जी पापा मैं तुरंत आपको कॉल कर दूंगा। सर फ्लाइट का टाइम हो रहा है, लेट हो रहा था। ठीक है, थैंक यू सर। पापा आप संभल के अपना ख्याल रखना। जी ध्यान रखना। जी माँ। सर पूरा घर छान मारा, कोई सुराग नहीं मिला। ठीक है, घर के अंदर नहीं मिला तो घर के बाहर देख लेते।
सोने की चेन। सर ये तो वैसी ही सुनहरी आंख है जैसी उस पेंटर ने बनाई थी। मिस्टर विवान, आप चेन को पहचानते हैं? नहीं नहीं सर, पहले कभी देखी नहीं मैंने ये चेन। कमाल है, इतनी बड़ी चेन आपके घर में मिली और आपको इसके बारे में कुछ पता नहीं। पार्टी में कोई पहन के आया होगा ये चेन और उसकी चेन यहाँ पे गिर गई होगी। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, वैसे आपका कोई सामान कहीं छूट जाए तो क्या करते हैं आप? सिंपल सी बात है सर, ऐसे वक्त पे हम सामने वाले को कॉल करके पूछते हैं कि भाई मेरी। जी जी जी, कॉल करेंगे। तो कोई कॉल आया पूछने के लिए इसके बारे में? जी नहीं, अभी तक तो किसी ने फोन नहीं किया मुझे इस चेन के बारे में, शायद भूल गया होगा। वाह, किसी की इतनी भारी चेन खो गई है और उसे होश ही नहीं है। मैडम जैसे मुझे किसी का कॉल आएगा ना, मैं पहले आपको कॉल कर दूंगा। अच्छा, इस आंख के बारे में कुछ जानते हैं आप? रुद्रा के पापा के खूनी ने भी ऐसे ही आंख की पेंटिंग बनाई थी। सर जब मैं इस चेन के बारे में नहीं जानता तो इस आंख वाली डिजाइन के बारे में कैसे बता सकता हूँ ना सर? हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है, फिलहाल तो हम लोग चलते हैं। इसे आपकी वाइफ के बारे में कुछ पता चलेगा आपको बता देंगे, और आपको कुछ पता चले तो आप प्लीज हमें इन्फॉर्म करिए। जी हाँ सर। हेलो। हाँ विवान बोलो। हाँ रुद्रा, यार तू ठीक तो है ना? बैठा बिठा है मुसीबत मोल ले लिया। वो तो है, देख मुझे लग रहा है वो वापिस आ गया। और वो सुहाना, यार सुहाना कैसी है? वो तो ठीक होगी ना? नहीं, एक 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 मिनट रुक, मैं सुहाना को कॉन्फ्रेंस पे लेता। बाय बाय। बाय मम्मी, लव यू। हाय रुद्र, हाय विवान। हाँ सुहाना, कैसी हो तुम? ठीक तो हो? मैं तो घर पर हूँ और ठीक हूँ। सुहाना मुझे ऐसे लगता है कि वो वापिस आ गया। क्या सुहाना, तुम्हें ऐसे कुछ भी लगे ना तो प्लीज हमें इन्फॉर्म कर देना। हाँ सुहाना, कुछ भी हो कॉल कर देना। मैडम आपका केबल। हाँ ठीक है ठीक है, थैंक यू। अच्छा हाँ मैं बताती हूँ। और अपना ख्याल रखना। ओके ओके, हाँ मैं अपना ध्यान रखूंगी। हाँ तुम लोग भी अपना ध्यान रखना। ओके। सर शहर में तो कितने ही ऐसे आर्टिस्ट और पेंटर्स होंगे जो रेस्टोरेशन का काम कर रहे होंगे, सिर्फ इस मुजरिम आर्टिस्ट तक पहुंचेंगे कैसे? पेंटिंग कंपटीशन का फुटेज देखते हैं ना श्रेया। मिस्टर आकाश, आप जहां कहीं पे भी हैं प्लीज स्टेज पे आ जाएं। मिस्टर आकाश, एक्सक्यूज मी। श्रेया एक मिनट जरा पॉज करो। इस आदमी को देखो, जो हुड पहना है, मास्क पहना हुआ है, उसके जैकेट पर कुछ है। ज़ूम करो जरा। सर ये तो इनिशियल्स लग रहे हैं, ए जी। क्या हो सकता है ये ए जी? कोई कंपनी, कोई इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन कुछ तो है। शायद ये आदमी उसके लिए काम भी करता हो। जरा देखो तो सही, नेट पर देखो एजी इनिशियल्स की कोई कंपनी वगैरह कुछ है क्या? सर सचिन, तब तक हम क्रिमिनल डाटाबेस चेक करते हैं, देखते हैं इस गोल्डन आई गैंग के बारे में क्या पता चलता है। चलो आपका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। ये गोल्डन आई नाम की गैंग 2006 से 2010 के बीच में ऑपरेट करती थी सर। ये लोगों उन्हीं का है। कैसे कैसे क्राइम्स किए इन्होंने? सर ये गैंग कॉलेज के बच्चों को ढेर सारी रकम देती थी, और जब ये रकम बच्चे चुका नहीं पाते थे तो उनसे मनचाहा काम करवाते थे लोग, ड्रग की स्मगलिंग वगैरह। सर 2010 में गोल्डन आई गैंग का लीडर जैकी पकड़ा गया। गैंग लीडर जैकी तारापुर जेल में है और जुर्म फिर से शुरू हो गए गोल्डन आई गैंग के नाम से। तो क्या कोई और गैंग चला रहा है, या फिर ये जैकी जेल की सलाखों के पीछे से ये सब करवा रहा है? सर सर एजी इनिशियल्स वाली एक कंपनी मिली है जो आर्ट रेस्टोरेशन का काम करती है। आर्ट गैलेरिया नाम है। यस सर।
अब दया जाएगा इस आर्ट गैलेरिया में और सब पता लगा कर आएगा, और हम जाएंगे तारापुर जेल इस गोल्डन आई गैंग के लीडर जैकी से मिलने। मिस्टर सुनील, ये देखिए, ये एजी इनिशियल्स, ये आपके आर्ट गैलरी का है? जी हाँ, पर बात क्या है? बात बहुत सीरियस है। आपके यहाँ पे जितने स्टाफ मेंबर्स हैं, उन सबको यहाँ पे इकट्ठा कीजिए जल्दी। सब यही है, बोलिए। गुड, रेडी। इशिता, यहाँ पे जितने लोग हैं सबके उंगलियों के निशान लो जल्दी। उंगलियों के निशान? लेकिन सर हुआ क्या बताइए ना प्लीज। एक खून हुआ है। और आपको शक है कि खून मेरे स्टाफ के किसी आदमी ने किया है? हमें शक नहीं, पूरा यकीन है। जल्दी आप भी हाथ रखिए। भाई आपके हाथ पे रंग लगा है? सर मैं धो के आता हूं। अच्छी तरह से धोना, चलो। बड़े, इसके हाथ में लाल रंग नहीं, खून लगा हुआ है। थैंक यू। आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई। मैंने सुना था कि प्यासा कुएं के पास जाता है, आज कुआं खुद चल के प्यासे के पास आया। सीआईडी को जाओ, एसीपी प्रतिमन खुद चल के मेरे पास आया है ये देखने के लिए कि जेल की सलाखों के पीछे इतने सालों से सड़ने के बाद भी गोल्डन आई गैंग का लीडर जैकी अब तक सुधरा नहीं है। अभी भी अंदर बैठकर बाहर जुर्म करवा रहा है। एक बूढ़े आदमी का कत्ल और एक औरत को अगवा, मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है। ये देखो, गोल्डन आई गैंग जहां जहां जुर्म करती है वहां अपने सिग्नेचर्स छोड़ती है, कभी पेंटिंग के रूप में तो कभी लॉकेट के रूप में। मैंने कहा ना, मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं है। चलो, वैसे ही इन लोगों ने मुझे हैरान कर रखा। गोल्डन आई के बारे में पूछ के किन लोगों ने? ये जेल के स्टाफ के लोग। सर, जेल के रजिस्टर से पता चला है कि आज सुबह जैकी को मिलने रुद्र और विवान आए थे। रुद्रा और विवान, बताओ कौन कौन है तुम्हारे साथी? नहीं बताऊंगा। फांसी पर लटकाऊंगा मैं तुम्हें, फांसी पर, इन दो जुर्म के लिए। लेकिन अगर अपनी सजा कम करवाना चाहते हो तो हमारी मदद करो। सुना है सीपी प्रद्युम्न, जुबान का पक्का है? सही सुना है। ठीक है, बताता हूं। साहब, मैंने जो भी किया सब कुछ पैसों के लालच में किया। साहब अब डिटेल में बता, क्या क्या किया तूने पैसों के लिए? गलती से रुद्र के पिता का खून कर दिया। मैंने सुना था लोग गलती से केले के छिलके पर से फिसल जाते, गलती से रास्ता भटक जाते, यहां तक कि गलती से शादी भी कर लेते, लेकिन गलती से खून, ये बात मैं पहली दफा सुन रहा हूँ। मैं उनको किडनैप करना चाहता था और वो जोर से चिल्लाने लगे और मैं घबरा गया और हड़बड़ाहट में मैंने उनका खून कर दिया। किसने दिए थे पैसे तुम्हें ये सब करने के लिए? मालूम नहीं साहब, मुझे मेरे घर के बाहर एक पार्सल मिला, उसमें कुछ पैसे, एक चिट्ठी और सुनहरी आके एक फोटो थी। उसकी माँ मुझे पेंटिंग बनानी थी और रुद्र के पिता को किडनैप करना था। कहाँ है वो चिट्ठी और वो फोटो? वो तो मैंने
उसी वक्त गिरा दी थी। बहुत बुरी तरह फंस गया है तू बेटा, फांसी तो तुझे होगी, पर अगर वो सुपारी देने वाला पकड़ा नहीं गया ना तो फांसी के पहले हम तेरे साथ क्या क्या करेंगे तू सोच भी नहीं सकता। सच कह रहा हूँ साहब, उसमें किसी का नाम नहीं लिखा था। तो कुछ और लिखा होगा, क्या पढ़ा था तुमने? हाँ साहब, वो पार्सल सतारा से आया था। सतारा? हाँ। सच बोल रहा है, हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। सच बोल रहा साहब, झूठ बोल के मुझे मिलेगा क्या? सतारा, सोचा था जैकी को मिलके टेंशन कम होगा, पर ये टेंशन तो और भी बढ़ गई है। और अगर जैकी ने जो कहा वो सच निकला तो हम लोग तो गए काम से। अब देखते हैं कि कौन जीतता है, मम्मी जीती है कुनाल जीतता है। हाँ एक मिनट, तुम? हाँ मैडम, केबल के पैसे लेने आया था। कितने हुए? वो आपको कल बिल दिया था ना, उस पे लिखा हुआ है। अच्छा रुको, मैं लेके आती हूँ। सर, गोल्डन आई गैंग के सभी लोगों की इन्फॉर्मेशन मिल गई सिवाय एक के, उसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। कौन है वो? अबीर। सर उसका शायद ये फोन नंबर गलत है, फोन लग ही नहीं रहा है। ये उसका घर का पता है ना? यस सर। घर पे जाकर देखो, अगर घर में कोई है तो लेकर आओ, नहीं यहाँ पर। सर हाँ, अबीर आइए। सर हाँ। अबीर के माता पिता। नमस्ते। आइए आइए। हमने सुना आप हमारे बेटे अबीर को ढूंढ रहे हैं। जी हाँ, कुछ पता है आपको अबीर कहाँ पर है? 5 साल हो गए हैं हमारे बेटे अबीर को गायब हुए थे, लेकिन आज तक उसका कुछ पता नहीं चला है। पता नहीं हमारी चिता को आग कौन देगा। नहीं नहीं प्लीज, देखिए ऐसे मत कहिए, कुछ नहीं हुआ होगा अबीर को, हम पूरी कोशिश करेंगे उसे ढूंढने की, चिंता मत कीजिए। अच्छा ये बताइए कि आप लोगों का बेटा अबीर गलत लोगों के साथ जुड़ा हुआ था, गोल्डन आई गैंग के साथ, इसके बारे में आप लोग कुछ जानते हैं? पर वो तो सारा गलत रास्ता छोड़ के एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता था अनुष्का के साथ। अनुष्का के साथ? ये अनुष्का कौन है? वो जिसे वो शादी करना चाहता था सर, और कुछ दिनों के लिए वो दोनों सतारा भी गए थे सर, ताकि जुर्म से दूर एक नई शुरुआत कर सके। लेकिन कुछ दिनों के बाद सतारा से खबर आई कि वो दोनों वहां से पता। इस अनुष्का का कोई फोन नंबर या पता है आपके पास? जी, एड्रेस है सर। वंच, एड्रेस ले लो। सर आद्या, रुद्रा और विवान ने कॉन्फ्रेंस कॉल किया था सुहाना को। एक मिनट दया, ये सुहाना गोल्डन आई गैंग वाली मेंबर है ना? काम करो, तुम पुणे जाओ और इस सुहाना से मिलो। सर सुहाना के फोन लिस्ट के मुताबिक उसने सबसे ज्यादा कॉल रुद्र और विवान को किए हैं। ये क्या, दरवाजा खुला है? सुहाना, सुहाना जरा देखो अंदर, तलाशी लो।
सुहाना सर, क्या हुआ? तानिया विवान की पत्नी। ओह नो, चाकू से गला चीर दिया इसका। सर तानिया अगवा हुई मुंबई में और इसकी लाश यहाँ पुणे में पड़ी। मतलब सर सुहाना ने किडनैप किया इसे? नहीं पड़ी, सुहाना सुहाना ने नहीं किडनैप किया इसे, वरना वो लाश यहाँ घर पे छोड़ के नहीं जाती। कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। आशय क्या सुहाना का मोबाइल फोन इस वक्त सातारा में है? सर सुहाना के मोबाइल का लोकेशन यहीं पे दिखा रहा है। अब हमारे पास दूसरा कोई चारा भी तो नहीं है, हमें एक कदम उठाना ही पड़ेगा। ये काम हमें उसी दिन कर देना चाहिए था जिस दिन अबीर और अनुष्का को बुलाया था। यही वो जगह है ना जहाँ पे वो दोनों चल के आए थे। अब हिम्मत करो और ये ट्रिगर दबा दो। हमारा साथ शायद ये दोनों एक दूसरे को मारने भी तुले। अरे ए, क्या कर रहे हो? अपने हाथों से ट्रिगर कोई नहीं दबाएगा, इन हाथों में हथकड़ियां लगेंगी, समझे? प्लीज सर, हमारे परिवार वालों को बचा लीजिए, उनकी जान खतरे में है। अगर हमने एक दूसरे को नहीं मारा तो उनकी जान ले लेगा सर। कौन करवा रहा है ये तुम लोगों से? हमें कुछ पता नहीं सर, हमें कॉल यही सातारा से आई थी। आपको जो सजा देनी है हमें दे दीजिए, लेकिन उसको पकड़ लेना वरना वो हमारे परिवार वालों को मार डालेगा। पहले शुरू से पूरी बात बताओ, तुम लोग गोल्डन आई गैंग के मेंबर्स थे ना, तो ये गैंग टूटा कैसे? सब कुछ सही चल रहा था सर, लेकिन उस अबीर के लालच की वजह से सब बर्बाद हो गया। उसने हमारे बॉस जैकी के 50 लाख रुपए चुरा लिए सर। और सर वो ये पैसे लेकर अपनी मंगेतर अनुष्का के साथ ये शहर छोड़ के जाने वाला था। सर जैकी से बच पाना नामुमकिन है, उसी ने हमें ये काम दिया था कि उन दोनों को खत्म कर दो। 5 साल बाद फिर से वही हो रहा सर, हमें अपने ग्रुप के सदस्यों को मारने के लिए कहा गया। फर्क सिर्फ इतना है कि ये ऑर्डर्स जैकी नहीं कोई और दे रहा है। कौन सर? वो पता लगाने की भी एक तरकीब है। सर अनुष्का यहाँ? आप लोग देखिए, हम लोग सीआईडी से हैं, मैं एसीपी प्रद्युमन। वैसे ये अनुष्का है ना? जी सर, यही अनुष्का है। आप? सर मैं इनकी नर्स हूँ, इनकी देखभाल करती हूँ, ये तो खुद से कुछ कर भी नहीं पाती। वैसे और कोई दिख नहीं रहा है घर में? सर बस हम दोनों ही रहते हैं घर। आप दोनों ही हैं तो फिर अनुष्का की देखभाल का खर्चा वगैरह और आपको काम पे किसने रखा फिर? सर वो तो मालूम नहीं, मुझे इनकी देखभाल के लिए 9 to 6 रखा गया है और हर महीने दरवाजे पर एक लिफाफा मिलता है जिसमें अच्छी खासी रकम होती है। अनुष्का, अनुष्का बेटा इधर देखो बेटा। देखा सर आपने, ना कुछ सुनती है ना कुछ बोलती है, बस एक जिंदा लाश की तरह बनी हुई है, कुछ भी महसूस करने की शक्ति नहीं है इसमें। देखिए एक रिक्वेस्ट है, हम एक केस के सिलसिले में यहाँ आ गए, हम चाहते हैं कि आपके इस घर की तलाशी ले लें। जी जरूर सर। थैंक यू वेरी मच सचिन। सर कमरे में ये डायरी मिली सर, SJD कॉलेज की, लेकिन डायरी पूरी तरह से खाली है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। SJD कॉलेज? सचिन लगता है अनुष्का SJD कॉलेज में पढ़ती हो।
या फिर जिसने भी ये सब किया है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, उसका इस SJD कॉलेज से कोई ना कोई संबंध जरूर है, कोई ना कोई संबंध जरूर है इस SJD कॉलेज से। SJD कॉलेज। शूर पेंटर रुद्र, जिनके पिता का मर्डर चाकू घोप के कर दिया गया था, आखिरकार वो खूनी पकड़ा ही गया। उस खूनी का नाम है अनुष्का। जी हाँ, खूनी एक लड़की है, सतारा की रहने वाली, मासूम सी दिखने वाली अनुष्का। कोई सोच भी नहीं सकता कि उसके मासूम से दिल में ऐसे खतरनाक मंसूबे उमड़ रहे हों। फिलहाल अनुष्का जेल के लॉकअप में नहीं, सिटी हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में। पूछताछ के दौरान उनका दिल दहल गया और उनको पैनिक अटैक पड़ गया। इसलिए कहते हैं कि जुर्म करना फायदे का नहीं, घाटे का सौदा है। मेरा हालचाल पूछ ले आई हो हॉस्पिटल में। हाँ स्वीट, इतना बड़ा धोखा। इसे धोखा नहीं कहते मैडम, इसे नहले पे तहला कहते। अरे जयवंती, ये अनुष्का का हालचाल पूछने आई थी यहाँ। तुम्हें देखकर कुछ ज्यादा खुश नहीं लगती, उदास हो गई है बेचारी। इसकी उदासी मैं अभी दूर कर देती हूँ। बताओ क्यों किया तुमने ये सब? क्योंकि अनुष्का मेरी बहन है और उन लोगों ने जो कुछ भी उसके साथ किया, मुझे उसका बदला लेना था। और इतने भयानक हमले के बाद भी ऊपर वाले ने उसकी जान बचा ली। उसने मुझे पूरी बात बताई, लेकिन दिन ब दिन उसकी हालत बदतर होती गई। तब मैंने भी सोच लिया कि जैसे उन गोल्डन आई वालों ने तुम्हारी बहन के साथ बुरा किया, वैसे ही तुम उनके परिवार वालों के साथ बुरा करोगी। हाँ, इसीलिए उन्हें उस गोल्डन आई के सिंबल की याद दिलाती रही, ताकि उन्हें याद रहे कि ये उनके अतीत के पापों की कीमत चुका रहे हैं। मालूम है, टीवी पे अनुष्का की वो झूठी खबर हमने ही डाली थी। हम जानते थे कि टीवी पर अनुष्का की न्यूज देखकर तुम भागी भागी चली आओगी यहाँ। कैसे नहीं आती, बहुत प्यार जो करती हूँ उससे। इतना प्यार करती हूँ अपनी बहन से कि कानून हाथ में ले लिया? हाँ। माना कि जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, अगर कानून अपने हाथ में लेकर तुमने भी वही गलती की है जो उन लोगों ने की, सजा तो तुम्हें भी होगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।